नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:19 तक रहेगी। आज रात 12:07 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:07 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। आज छठ पूजा का दूसरा संयम है। इसके अलावा आज सौभाग्य पंचमी भी मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:46 से शुरू हुआ था और सुबह 9:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 12:07 से अगली सुबह 6:21 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:16 पर शुरू हुआ था और शाम 7:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 22 नवंबर की सुबह 9:17 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:46 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:46 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:49 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:16 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:19 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:46 से शाम 7:42 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 19 नवंबर की सुबह 7:24 से दोपहर 12:45 तक और एक बार फिर दोपहर 2:12 से शाम 7:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 19 नवंबर की सुबह 7:24 से दोपहर 12:45 तक और एक बार फिर दोपहर 2:12 से शाम 7:08 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 19 नवंबर की देर रात 1:43 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:25 से सुबह 10:45 तक। मुंबई सुबह 9:35 से सुबह 10:59 तक। चंडीगढ़
सुबह 9:29 से सुबह 10:48 तक, लखनऊ सुबह 9:09 से सुबह 10:30 तक, भोपाल सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक, कोलकाता सुबह 8:36 से सुबह 9:58 तक, अहमदाबाद सुबह 9:39 से दोपहर पहले 11:01 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:01 से सुबह 10:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ लगा रहेगा। आप पेरेंट्स के साथ किसी मंदिर ईश्वर दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस राशि के जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको आकर्षक व प्रतिभावान मानेंगे। आज समाज में आपका बढ़ता प्रभाव आपके विरोधियों को प्रभावित करेगा। आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। बिजनेस में लाभ आपको आर्थिक व भौतिकवादी सुरक्षा प्रदान करेगा। आज जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा देने का मन बनाएंगे, इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही खुशहाल रहेगा। आपके काम में मिली सफलता आपको यात्रा का मौका देगी। आज आपको अपने कार्यों को पूरा करने में कुछ समय लगेगा। धैर्य व संयम से काम लें। आज आप जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालेंगे। आपके काम और निजी लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। आज आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सभी लोग काफ़ी खुश नजर आएंगे। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आज आप घर पर अलग अलग पकवानों का आनंद उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आप अपने काम व निर्णय को अपने परिवार वालों के साथ बैठकर साझा करेंगे। आज आप नए लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि बाहर दुनिया में कितने नए अवसर हैं। इस राशि के जो महिलाएं बिजनेस के क्षेत्र से जुड़ी हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आप शाम के समय किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जहां आपको नए नए लोगों से मिलकर अच्छा लगेगा। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस देखकर बॉस आपकी पदोन्नति की बात करेंगे, प्रमोशन, साथ ही आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आप जो भी काम करेंगे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचना चाहिए। आप जो कुछ भी करें पहले सोच विचार कर लें। अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आप डेली रूटीन में मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। शाम को आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। आज संतान की उन्नति से आपको खुशी होगी, साथ ही आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आप अपने कार्यस्थल पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें, आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। अपने पास आई चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इस राशि के जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपने बजट के अनुसार ही पैसा इन्वेस्ट करें और एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लें। आज आपको कई वर्षों की कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना एक ऐसा गुण है जो आपको सभी लोगों का प्रिय बनाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके आसपास के लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। इस राशि के जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा होगा। बहुत दिनों से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आज आपकी जैसी भी परिस्थितियाँ हों
आपके पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको जीवन के कुछ नए सबक भी सीखने को मिलेंगे। आज ऑफिस में आपको कोई नई पोस्ट मिल सकती है जिससे आपका मन उत्साहित रहेगा। पहले से बनी योजनाओं को लागू करना आज ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके काम में कुछ खास सहयोगियों का साथ मिलेगा जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। काफ़ी दिनों से नया वाहन लेने का विचार आप अपने घर वालों के साथ करेंगे। काफ़ी दिनों से जो नया वाहन लेने का विचार आपके मन में था उसे आज अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कॉलेज में कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको बिजनेस के कारण किसी दूसरे राज्य की यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा लाभदायक रहेगी। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कम मेहनत से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाएँ बनी रहेंगी। समाज में किए गए कामों के लिए आपको सम्मान मिलेगा। किसी को दिया गया पैसा आज आपको वापस मिल जाएगा जिससे आप अपने रुके कार्यों को पूरा करेंगे। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। आज आप काम के प्रति सचेत रहें, कोई विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बना सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए नया बदलाव लेकर आएगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत और बिजी लाइफ के बाद आज आप पार्टी का आनंद लेंगे। एक कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में रिसर्च करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व सभी को अपनी तरफ खींचेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। इस राशि के लोगों को जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज आपका व्यापार आगे बढ़ता ही रहेगा, आपको नई योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। आज आपके आय व्यय में समानता बनी रहेगी। अगर अपने लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसकी स्वीकृति मिलेगी। अगर आज कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हैं तो दिन आपके लिए शुभ है। आज दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग लेकर आया है। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा, दूसरों की मदद आदि के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अगर आपने किसी से रुपए उधार लिए हैं तो आप जल्द ही उसे चुकता कर देंगे। वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि होगी। अगर आपकी खुद की शॉप है तो आपकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। आज आप खुद में अलग महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आप उन दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करेंगे जिनसे आप काफ़ी दिन से बात करना चाहते थे। बिजनेस से लेकर नई निजी जिंदगी तक सब सही चलेगा। पैतृक संपत्ति हासिल होने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अपनी बनाई गई योजना के अनुसार काम करने से सफलता मिलेगी। आपके सहयोगी आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस राशि के जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्द ही सफलता मिलने के योग हैं। आज बड़ों की बातों को ध्यान में रखकर काम करिए। अगर किसी से कोई अनबन हो गई है तो आज उसे समाप्त करने के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो संभव हो तो आज स्वर्ण सहित चीनी दान करें, मतलब सोने सहित चीनी दान करें। सोने सहित न कर पाए तो चीनी ही दान कर दें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है
वो आज साबुत मूंग की दाल खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मूलांक दो, आज कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाइए और सिंगल सिग्नल ग्रीन होने पर ही रोड क्रॉस करें। मूलांक तीन, संतान की गतिविधि आपको थोड़ा परेशान कर रही है, उन्हें समझने का प्रयास करें। मूलांक चार, आज आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, साथ ही नौकरी में भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। मूलांक पाँच, बड़े बुजुर्गों का प्रेम और आशीर्वाद बना रहेगा जिससे आपकी सारी परेशानियों का हल मिलेगा। मूलांक छः, जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, इससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक सात, कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है। मूलांक आठ, दोस्तों के साथ आनंद के पल बिताएंगे, ये पल बहुत ही बेहतरीन होंगे। मूलांक नौ, आज का दिन मिला जुला रहेगा, काम के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में धातु का कछुआ रखने के बारे में। घर में कछुआ रखना आयु और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने वाला माना जाता है। अगर कोई नया काम करने में आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आज ही घर में धातु का कछुआ लाइए। कछुए को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हों। उस कछुए को पानी से भरे एक बड़े से कटोरे में डालकर रखें। किस दिशा में रखना है ये भी बता देता हूँ। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए धातु के कछुए को उत्तर दिशा में रखें। कछुए को धन प्राप्ति का सूचक भी माना जाता है। यदि आपको धन संबंधी कोई परेशानी है तो क्रिस्टल का कछुआ लाकर अपने घर या ऑफिस में भी रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में धातु का कछुआ रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 9:19 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:12:07 तक समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला रव योग रहेगा। बता दूं कि रव योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रव योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रव योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। अतः रव योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही आज रात 12:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। इसका पहला चरण धनु राशि में और बाकी तीन चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। इसलिए इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशि के जातकों पर ज्यादा रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है। इनमें कुशल नेतृत्व क्षमता होती है। ये राजनीति, जज, IAS ऑफिसर, CA आदि क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। बता दूं कि हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस नक्षत्र के दौरान कटहल के पेड़ की पूजा करना चाहिए और उससे बनी चीज़ों को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा रवि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं छठ पूजा के दूसरे दिन की।
बता दूं कि आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का दूसरा संयम है। आज पूरा दिन उपवास रखने के बाद रात के समय भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसे खरना कहते हैं। आज भोजन में गुड़ और गन्ने के रस में बने हुए चावल और खीर खाने का महत्व है, जबकि इस दिन नमक और चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। श्रद्धा भाव से किए गए छठ के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिनकी पहले से संतान है उनकी संतान को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। साथ ही छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। छठ पूजा का ये त्योहार पूरे चार दिनों तक मनाया जाता है। याद दिला दूं कि छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और उसके अगले दिन अरुणोदय काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। बता दूं कि सूर्य षष्ठी व्रत के तीसरे दिन यानी कल सूर्योदय का समय सुबह 6:47 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। तो ये थी चर्चा छठ पूजा के दूसरे दिन की, और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली सौभाग्य पंचमी के बारे में। याद दिला दूं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सौभाग्य पंचमी मनाने का विधान है। इसे लाभ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जैनियों में आज के दिन को ज्ञान पंचमी के रूप में मनाया जाता है। सौभाग्य पंचमी या लाभ पंचमी का ये त्यौहार मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। आज गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। आपको बता दूं कि दीपावली के दिन जिन बही खातों की पूजा की जाती है, आज कई जगहों पर उन बही खातों में लिखना शुरू किया जाता है। शास्त्रों में भी पंचमी तिथि का बड़ा महत्व है। पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले कार्य शुभ फल देते हैं, साथ ही कारोबार में तरक्की होती है और जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। इस दौरान कोई नया काम या बिजनेस शुरू करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। लिहाजा आज कौन से विशेष उपाय करके आप इन सब चीजों का लाभ पा सकते हैं, हम अब इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करना चाहते हैं तो आज बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन करें और पूजन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर जाकर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिवलिंग को अर्पित करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ये उपाय करने से आपके बिजनेस की अच्छी शुरुआत होगी। अगर आप जीवन में सुख शांति खुशहाली और यश कीर्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर में दुर्गा बीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन आपको देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार 108 बार मंत्र जप के साथ ही आपको तिल से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगर आप अपनी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद भी घी के दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दीजिए। सावधानी पूर्वक रखिए, अगर संभव हो तो आज के दिन अखंड घी की ज्योति जलाएं, घी की अखंड ज्योति जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही
यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के निमित्त जौ और गुग्गुल से हवन करना चाहिए। हवन के लिए आप जितनी मात्रा में जौ लीजिए उतनी ही मात्रा में गुग्गुल भी लीजिए। दोनों की बराबर मात्रा में आहुति देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी। अगर आप हर तरह से हर काम में अपनी रक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र रखकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शूलेन पाहि नो देवी, पाहि खड्गेन चांबिके, घंटा सुनेन न पाहि, चापत जान्य सुनेन च। इस प्रकार मंत्र जप के बाद उन गोमती चक्र को संभाल कर अपने घर के मंदिर में रख दें। आज ये उपाय करने से हर तरह से हर काम में आपकी रक्षा सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज रवियोग उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य षष्ठी व्रत के दूसरे संयम और सौभाग्य पंचमी के बारे में। तो आज के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अपने सुख साधनों में वृद्धि कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज के दिन की शुरुआत अच्छी तरह से होगी, आपको कोई बेहतरीन खबर मिल सकती है। बी, आपकी सोच में बदलाव आएगा जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। सी, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, विरोधियों से आपको जीत मिल सकती है। डी, जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। ई, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आज आपको इससे निकलने का मौका मिलेगा। एफ, लेखकों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा, किसी फंक्शन में सम्मानित किया जा सकता है। जी, आज का दिन लाभ देने वाला है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। एच, परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, साथ में सब लोग किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। आई, ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। जे, बिजनेस को लेकर आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं, आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। के, आज आप दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां और दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। एल, आज आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आप कुछ नया सीख सकते हैं। एम, फिजूल के खर्चे को कम करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है, इसको आप हाथों से निकलने न दें। ओ, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी से डील करने का मौका मिलेगा। पी, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको जल्द ही कामयाबी मिलेगी। क्यू, जो लोग जॉब की तलाश में थे उनको आज जॉब पाने का मौका मिलेगा। आर, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी शादी की बात फाइनल हो सकती है। एस, ऑफिस में आपका रुका हुआ वर्क पूरा होगा, बॉस आपसे खुश होकर आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। टी, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, करियर से रिलेटेड किसी से परामर्श ले सकते हैं। यू, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण केस आपके पक्ष में होगा। वी, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है, कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। डब्ल्यू, आपके व्यवहार को देखकर पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे, किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे। एक्स, अचानक से घर पर कोई करीबी आ सकता है, उसके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं। वाई, आज का दौर आपके लिए उत्तम रहेगा, सभी काम आपके मन के मुताबिक हो सकते हैं। जेड, व्यापार में लाभ होगा लेकिन आपके घर के खर्चों में वृद्धि होगी। और अब बात आज के तीर्थ की।
आज छठ का दूसरा दिन है। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पुण्यार्क सूर्य मंदिर के दर्शन। पटना जिले के पंडारक में स्थित पुण्यार्क मंदिर अति पवित्र स्थल है। ये एकमात्र सूर्य मंदिर है जो गंगा के तट पर स्थापित है। छठ के अवसर पर यहाँ दूर दूर से हजारों भक्त पहुँचते हैं। मान्यता है कि चर्म संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पुण्यार्क मंदिर में छठ पूजा के अवसर पर स्नान करने से लाभ होता है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने की थी। ऐसा उन्होंने एक श्राप से छुटकारा पाने के लिए किया था। तो आप भी घर बैठे करें इस दिव्यार्क दिव्य पुण्यार्क सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा थोड़ा अंडाकार यानी लंबाई में अधिक लेकिन ऊपर और नीचे की तरफ से गोल आकृति का होता है, उन लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरों के प्रति इनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है। ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इनके अंदर अच्छे गुणों की भरमार होती है और यही गुण इन लोगों को सफलता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन लोगों को कला से जुड़ी चीज़ों से बहुत लगाव होता है। ये लोग हर समय कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। अपनी इन सब खूबियों के चलते ये लोग एक अच्छे लेखक, साहित्यकार, संगीतकार, फोटोग्राफर, अभिनेता या फिर अच्छे डांसर भी बन सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पंचमी तिथि आज सुबह 9:19 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 7:24 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपकी यात्रा की शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में लौकी का पौधा लगाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।